मोहित ऑफिस में ओवर टाइम काम कर रहा था तो उसे घर जाने के लिए रात हो जाती है। तभी एक वैम्पायर उसके पीछे पड़ जाता है। भागते भागते मोहित एक गुफा के अंदर पहुंच जाता है। गुफा के अंदर उसे तीन लीवर दिखाई देते हैं। अगर मोहित पहला लीवर खींचता है तो वैम्पायर पर बिजली का अटैक होगा और वो जल जाएगा। अगर मोहित दूसरा लीवर खींचता है तो वैम्पायर पर सूरज की रोशनी पड़ेगी और वो सूरज की तेज रोशनी से जल जाएगा। अगर मोहित तीसरा लीवर खींचता है तो रूम में सोने चांदी के सिक्के और बर्तनों की बरसात होगी, जिससे मोहित उसके पीछे छिप सकता है। तो अब वैम्पायर से बचने के लिए मोहित को कौन सा लीवर चुनना चाहिए? दोस्तों, आपको क्या लगता है? तो ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। बिजली का तो वैम्पायर पर कोई असर नहीं होता है, रात में तो सूरज की रोशनी भी नहीं होती है, तो दो नंबर का लीवर कुछ काम का नहीं है। वैम्पायर को चांदी से डर लगता है, चांदी के कांटेक्ट में आते ही वो जल जाते हैं, तो फिर मोहित को तीन नंबर वाला लीवर चुनना चाहिए। मोहित तीन नंबर वाला लीवर चुनता है, जिससे वैम्पायर जल जाता है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, पजल नंबर 2 में आज आपको पिक्चर को देखकर स्वीट के नाम गेस करने हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे कि यह है गुलाब और ये है जामुन, तो ये बन गया गुलाब जामुन। तो अभी आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और अब हमें बताइए कि यह किस स्वीट का नाम है। तो अच्छे से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं और इस स्वीट का नाम बनेगा बूंदिया। देखिए, ये है पानी की बूंद और बाद में है दिया, तो दोनों मिलाकर हो गया ना बूंदिया। दोस्तों, क्या आपने ये सही गेस किया था क्या? तो चलिए जल्दी से अब हमें बताइए कि इस पिक्चर से किस स्वीट का नाम बनेगा। तो ध्यान से सोचिए, क्योंकि यह आपकी फेवरेट स्वीट है। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं और उस स्वीट का नाम बनेगा पेड़ा। देखिए, सबसे पहले है पेड़ और बाद में इमोजी आ कर रही है, तो दोनों मिलाकर हो गया ना पेड़ा। दोस्तों, अगर आपको भी पेड़ा खाना पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। एक दिन श्रेया जंगल के रास्ते से स्कूल से घर वापस आ रही थी कि तभी अचानक जोरों की बारिश होने लगती है और अंधेरा छा जाता है और श्रेया जंगल में रास्ता भटक जाती है। उसे जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था, तो तभी श्रेया को एक घर दिखाई देता है। तो श्रेया उस घर के अंदर चली जाती है, लेकिन जैसे ही श्रेया घर के अंदर जाती है
तो दरवाजा लॉक हो जाता है। तो अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घर से बाहर कैसे निकले। अब श्रेया को घर से बाहर निकलने के लिए एक कोड पता करना होगा जो कि इसी रूम में मौजूद है। दोस्तों, क्या आप श्रेया की मदद कर सकते हो क्या कोड ढूंढने में? तो इस रूम को अच्छे से देखिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। इसमें तो बस आपको थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत थी। देखिए, दरवाजे के ऊपर एक लाइन में चार कलर दिए हैं। आपको ये पता करना था कि उस कलर के इस रूम में कितने ऑब्जेक्ट हैं। जैसे कि यहाँ पर रेड कलर के 3 ऑब्जेक्ट हैं, ब्लू के 2, पर्पल के 2 और येलो के 3। तो घर से बाहर निकलने का कोड हो जाएगा 3223। और ये कोड डालते ही दरवाजा खुल जाता है और श्रेया घर से बाहर निकल जाती है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था तो इस सवाल का जवाब 99% लोगों ने गलत दिया है। सिर्फ 1% लोगों ने ही सही दिया है। तो उसका सही जवाब है, तो उन 5 लकी विनर के नाम ये रहे: सचिन बाल पांडे, चंदू शर्मा, अनंत गोवले, बिंदु गुप्ता, लाइबा कश्यप। दोस्तों, आप 5ों को मनोरंजन मसाला की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। तो भाई, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा, आप 1 सेकंड में ऐसा क्या कर सकते हो कि जिससे सभी लोग खड़े हो जाए? तो फिर देरी कैसी, जल्दी से कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर आई है, तो आपको बताना है कि यह किस लड़की का नाम है। तो भाई, जरा अच्छे से देखिए और थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और इस पहेली का सही जवाब दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। उस लड़की का नाम है चारू। तो देखिए भाई, सबसे पहले है 4 यानी 4 और बाद में है यू का साइन, तो दोनों मिलाकर हो गया ना 4। दोस्तों, क्या आपने यह नाम सही गेस किया था क्या? तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, आपके सामने 2 पिक्चर आई है, तो इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए और अब हमें बताइए कि इन दोनों पिक्चर में कुल कितने डिफरेंस छिपे हुए हैं। तो जरा अच्छे से देखिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। इस पिक्चर में तो कुल 4 डिफरेंस छिपे हुए थे जो कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, क्या आपने ये 4 भी डिफरेंस सही गेस किए थे क्या? तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।